उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आज मैं अमरेंद्र कुमार यादव उपस्थित हूँ। आज के लेक्चर में मुख्य रूप से एमकॉम स्तर पर संचालित कोर्स कोड 302 इनकम टैक्स एवं बीकॉम स्तर पर संचालित कोर्स कोड 108 इनकम टैक्स को लेकर के उपस्थित हूँ। आज के लेक्चर में मुख्य रूप से हम इनकम टैक्स के इंट्रोडक्टरी लेक्चर को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स को देखेंगे, साथ ही साथ एमकॉम स्तर पर संचालित कोर्स एवं बीकॉम स्तर पर संचालित कोर्स इनकम टैक्स के सिलेबस की चर्चा हम करेंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं और देखते हैं। तो हम यहाँ पर जो पॉइंट्स देख रहे हैं उसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन और आफ्टर दैट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स और सिलेबस की चर्चा मुख्य रूप से करनी है। तो आइए हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न आता है और वो क्वेश्चन जो अराइज होता है हमारे मन मस्तिष्क में वो है व्हाट इज टैक्स। जब हम इनकम टैक्स को पढ़ते हैं तो टैक्स के बारे में हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये टैक्स है क्या। और जाहिर सी बात है कि जब टैक्स की जिज्ञासा आती है कि टैक्स है क्या, तो फिर हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप देखिए कि टैक्स इज अ पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल अर्निंग्स विच इज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू। सरकार आय को जनरेट करने के लिए इंडिविजुअल्स के इनकम का एक हिस्सा, जो मुख्य रूप से देखा जाए तो इट इज मैंडेटरी लाइबिलिटी फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए यह एक मैंडेटरी लाइबिलिटी की तरह होता है कि जब कभी भी वो इनकम करता है तो उस इनकम का एक पार्ट गवर्नमेंट को पे करना होता है और उस रकम को हम टैक्स कहते हैं। अब आगे देखते हैं तो टैक्स कितने प्रकार का होता है ये भी चर्चा का विषय है। तो टैक्स मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हमारे मन में जो एक प्रश्न स्वाभाविक सा उठा उसको कि व्हाई टैक्स इज रिक्वायर्ड, इस टैक्स की आवश्यकता क्यों होती है। तो इनकम टैक्स इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। सरकार का जो आय होता है, सरकार के द्वारा जो आय इनकम जनरेट की जाती है, रेवेन्यू जनरेट की जाती है, उसका यह मेन सोर्स होता है। टैक्स मनी इज यूज्ड इन इनिशिएटिंग वेरियस वेलफेयर एंड अदर एक्टिविटीज। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि वेरियस वेलफेयर एंड अदर एक्टिविटीज, गवर्नमेंट के द्वारा देश में वेलफेयर स्कीम जितनी भी चलाई जाती हैं उन स्कीम्स में एक बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता होती है। अब उस बहुत बड़ी रकम की व्यवस्था कैसे किया जाए, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जाए, फैसिलिटीज को कैसे डेवलप किया जाए और अदर एक्टिविटीज, चाहे वो सेफ्टी नीड्स पर्पज से हो। अब सेफ्टी नीड्स पर्पज में आप कंट्री के पीपल की सेफ्टी, कंट्री के बॉर्डर की सेफ्टी, जिसमें हम सेना को भी रख सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी को भी रख सकते हैं और परिवहन को भी रख सकते हैं, साथ ही साथ जो हमारे देश में नागरिकों के वेलफेयर के लिए जितनी भी स्कीमें हैं उन स्कीम में शिक्षा है, स्वास्थ्य है एवं सुरक्षा है।
उन सब की व्यवस्था करने के लिए सरकार को फंड की आवश्यकता होती है। अब गवर्नमेंट फंड कहाँ से रेज करती है, तो गवर्नमेंट फंड रेज करने के लिए उसका सबसे बड़ा जो साधन होता है वो टैक्स ही होता है। अब टैक्स दो तरह से होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से वो रेवेन्यू जनरेट करती है और इनडायरेक्ट टैक्स के भी माध्यम से रेवेन्यू को जनरेट करती है। अब रिक्वायरमेंट की बात आई तो कुल मिलाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और वेलफेयर स्कीम्स को डेवलप करने के लिए यूं कहें कि सरकार अपने कार्यों को पूरा करने के लिए इस टैक्स के माध्यम से जो रेवेन्यू जनरेट करती है उसे वो एक्सपेंस करती है और साथ ही साथ यूटिलाइज भी करती है। अब हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर जो आपको बताया कि टैक्स दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स एक हमने कॉलम दे दिया है अदर टैक्स का। अब इस पे आप फोकस करेंगे तो देखेंगे डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, कैपिटल गेंस टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है और वेल्थ टैक्स है। मुख्य रूप से डायरेक्ट टैक्स में इन पॉइंट्स को हम शामिल करते हैं और इन पॉइंट्स को इसलिए कैटेगराइज क्लासिफाइड कर दिया गया कि समझने की दृष्टि से कि डायरेक्ट टैक्स में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं वो आपके सामने दिख रहा है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्टाइड ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स वैट और गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। अब आपके मन में एक सामान्य सा प्रश्न ये भी उठता है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में मुख्यतया इनकम टैक्स और जीएसटी को शामिल हम करते हैं। तो ये सारे जो डायरेक्ट टैक्स के पार्ट है ये तो सब इनकम के ही बिहाफ पे है। अब टैक्स का बर्डन जिसके ऊपर पड़ता है और वही उसको पे करता है उसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स की जब बात करेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स तो गवर्नमेंट लेती है लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन से नहीं लेती है, उसके अलावा यानी कि वो टैक्स उस पर इनडायरेक्ट रूप में पड़ता है और वो आज के समय में जीएसटी एक्ट के थ्रू जो 2017 में जीएसटी एक्ट लाया गया था अब उसमें वो बहुत से टैक्स को सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स ये सब कुछ अब जीएसटी में ही शामिल कर दिया गया है। इसको मैं कैटेगराइज करके दिखाया। अदर टैक्स में आप आ जाइए तो अदर टैक्स में आप देखेंगे प्रॉपर्टी टैक्स, ये रजिस्ट्रेशन फी है, टोल टैक्स, एजुकेशन सेस, इंटरटेनमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स। इसमें से ये जो टैक्स है इसको भी हम मुख्य रूप से देखा जाए तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट हो सकता है। अब परंतु इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोविजंस पे बेस्ड होते हैं, वो आगे हम लेक्चर्स में चर्चा करेंगे इनके पर्टिकुलर हेड्स में जब हम जाएंगे। अब आगे हम देखते हैं तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इनकम टैक्स, हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि इनकम टैक्स कब से अप्लाई किया गया, कब से लोगों पे लागू किया गया या लोगों से लिया जाता था। तो सबसे पहले हम एंशिएंट इरा में चलेंगे। तो एंशिएंट इरा में जब हम चलेंगे तो उस समय हम देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया डेट्स बैक टू एंशिएंट इंडिया एज फाउंड मेंशन इन एंशिएंट बुक सच एज अर्थशास्त्र एंड मनुस्मृत। इन दो पुस्तकों का जिक्र हम इतिहास में पाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि अर्थशास्त्र जो है ये भी राज्य को चलाने के लिए एक नियमों की पुस्तक बनी हुई थी और मनुस्मृत ये भी राज्य को चलाने के लिए
इसमें शासन करने से संबंधित नियमों को बतलाया गया था। अर्थशास्त्र और मनुस्मृति के आधार पर हम कहें तो अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति के आधार पर अगर देखें तो आर्टिसियंस यूज टू पे, आर्टिसियंस जो होते हैं यूज टू पे 1/5 ऑफ देयर प्रॉफिट एज टैक्स वेयर एज एग्रीकल्चर वे आर रिक्वायर्ड टू पे। अब देखिए यहां मनुस्मृति कहता है कि जो आर्टिसियंस थे वो अपने इनकम का 1/5 1/5 वो जो उनका प्रॉफिट्स होता था उसको एज ए टैक्स के रूप में सरकार को देते थे। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर का काम करते जो कृषि कार्य से लगे हुए थे वे लोग तो वो पे करते थे कितना 1/6 1/8 एंड 1/10 ऑफ देयर प्रोसीड डिपेंडिंग अपॉन द सरकमस्टांसेस जैसी परिस्थितियां उस समय की थी उस परिस्थितियों के अनुसार वो टैक्स को पे करते थे। यानी कि ये उस समय भी टैक्स लिया जाता था। टैक्स क्यों लिया जाता होगा तो सरकार के द्वारा लोगों के लिए जो वेलफेयर स्कीम लानी होती होगी और सरकार अपने आय के साधन को जनरेट करने के लिए टैक्स का प्रावधान कर रखा था। आगे देखते हैं इसी में तो अब देखते हैं इन मॉडर्न इंडिया। अब हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो मॉडर्न इंडिया में अगर टैक्स की बात करें तो टैक्स वाज इंट्रोड्यूस बाय द फर्स्ट टाइम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया मॉडर्न इंडिया में वो कब तो 1860 में उसको लाया गया था और वो बाय सर जेम्स विल्सन के द्वारा उसे 1860 में लाया गया था इन ऑर्डर टू मीट द लॉसेस सस्टेन ऑन अकाउंट ऑफ मिलिट्री म्यूनिटी ऑफ 1857 1857 में जो आर्मी के द्वारा ये जो एक बहुत बड़ा जो नुकसान हुआ था युद्ध के दौरान उसको पूरा करने के लिए 1860 में सर जेम्स विल्सन जो एक अंग्रेज थे उनके द्वारा फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था ऑफ मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत में। अब हम देखते हैं कि टैक्स आया अब उसके बाद हम देखें तो सब्सिक्वेंटली अनदर इनकम टैक्स एक्ट वेयर पास्ड ड्यूरिंग 1886 में एक और इनकम टैक्स पास किया गया 1918 एंड 1922 1886 1918 और 1922 इस दौरान उसमें परिवर्तन होते गए जो 1860 में हमारा टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें समय समय के साथ परिवर्तन ला ला करके परिवर्तन आते गए और उसे हम इनकम टैक्स में शामिल करते गए। इनकम टैक्स को गवर्नमेंट के द्वारा पास करके उसे लागू किया गया। उसी क्रम में इनकम टैक्स एक्ट 1992 वाज द लास्ट इनकम टैक्स। यह ए जो 1922 जो था 1922 का जो इनकम टैक्स एक्ट था ये लास्ट इनकम टैक्स जो ब्रिटिश इंडिया की बात करें हम अंग्रेजों के समय में यह 1922 का जो इनकम टैक्स एक्ट था वो लास्ट इनकम टैक्स एक्ट था और उसके बाद कोई सुधार नहीं आया। उस दौर तक जो 1962
यानी कि 1962 तक ये 1922 का जो इनकम टैक्स एक्ट था इसमें कोई संशोधन नहीं रहा और 1962 तक वो वैसे का वैसा बना रहा। उसी के अनुसार अंग्रेजों के द्वारा टैक्स कलेक्ट किए जाते थे। अब बात हम करेंगे अंग्रेजों के बाद, अंग्रेजों के बाद अगर बात करेंगे, चूंकि हम ब्रीफ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, बहुत विस्तृत में नहीं जा रहे हैं। विस्तृत अध्ययन के लिए डियर लर्नर्स, आप लोग इनकम टैक्स के जो रेफरेंसेस बुक होंगे उनको भी देख लेंगे, और साथ ही साथ हमारे यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का जो स्टडी मटेरियल है उसका भी हेल्प आप ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन इंडिपेंडेंट इंडिया द इनकम टैक्स एक्ट 1922 वाज रिप्लेस्ड। अब ये 1922 को रिप्लेस किया गया है विद इनकम टैक्स एक्ट 1961 के द्वारा इस 1922 को रिप्लेस कर दिया गया। अब हम ये कहें कि यह जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट था 1961 विच वाज इम्प्लीमेंटेड WEF 1 अप्रैल 1962 एंड इट इज स्टिल इन फोर्स, यानी कि 1 अप्रैल 1962 से 1961 एक्ट जो था इनकम टैक्स एक्ट वो हमारा 1 अप्रैल 1962 से लागू हो गया, इंप्लीमेंट हो गया। सिंस 1962 सेवरल अमेंडमेंट्स ऑफ फॉर रीचिंग नेचर हैव बीन मेड इन इनकम टैक्स एक्ट बाय द यूनियन बजट एवरी ईयर। जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो ब्रिटिश इंडिया में जब हमारा एक्ट था वो क्या था, 1922। अब 1922 एज रिमेन कब तक वो बना रहा, तो 1962 तक, और हमारा देश 1947 में क्या हुआ, आजाद हो गया। लेकिन इनकम टैक्स ब्रिटिश इंडिया में जो लास्ट उसका एक्ट था 1922 यह हमारा 1962 तक प्रभावी रहा, इफेक्टिव रहा। उसी के अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट टैक्स को कलेक्ट करती थी, रेवेन्यू जनरेट करती थी और उसके बिहाफ पे वेलफेयर स्कीम्स को डेवलप करती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती थी और जनता के लिए बड़े बड़े उद्योग, कारखाने और सीमा सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, एवरीथिंग जो सरकार कर सकती थी उसके द्वारा उस रेवेन्यू से करती थी। परंतु इस 1922 के एक्ट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था। अब जब आज़ाद हो गया तो हमारे देश में हमारे सरकार का कानून लागू हो गया, उसके अकॉर्डिंग टैक्स में बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता थी, और उसके बाद हमारे देश में एक एक्ट बनाया गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो आज भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नाम से ही जाना जाता है, और उस 1961 के एक्ट को जो हमारे यहाँ पर यूनियन बजट गवर्नमेंट के द्वारा, जो हमारे देश का केंद्र सरकार यूनियन बजट जो हर साल आता है उस बजट के अकॉर्डिंग हमारे 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961
में कुछ ऐसे प्रोविजंस किए जाते हैं और उन प्रोविजंस को हम अमेंडमेंट करते हुए अपने देश में इस एक्ट को गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया और गवर्नमेंट इसके द्वारा रेवेन्यू जनरेट करती है। अब हम आगे देखते हैं, तो अब हम आगे देखते हैं तो अगला पॉइंट हमारा सिलेबस का आता है। लेकिन एक बार हम पीछे चलते हैं तो देखते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स थे उसमें इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि टैक्स क्या है और टैक्स क्यों लगाया जाता है, आवश्यकता उसका रिक्वायरमेंट क्या है, और हिस्ट्री को हम ब्रॉड में नहीं ब्रीफ हिस्ट्री हमने यहाँ पे इनकम टैक्स का देखा। अब हम आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस पे चर्चा करना इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए हमें सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स में किस किस टॉपिक को कवर करना है। जब तक हम सिलेबस को नहीं देखेंगे तब तक हम एक प्लान नहीं बना पाएंगे और तय सीमा में इनकम टैक्स को पूरा कवर करने के लिए सिलेबस की जानकारी भी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम चलते हैं सिलेबस पे। सिलेबस पे हम देखते हैं तो हमारा ये इनकम टैक्स का जो सिलेबस है जो एमकॉम स्तर पे संचालित हो रहा है वो कुल मिलाकर के 20 यूनिट्स में डिवाइड है। 20 यूनिट्स में डिवाइड है और पहला यूनिट जो हमारा है वो है इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट डिफिनिशंस। जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट है वो इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट डिफिनिशन पे आधारित है। जो इनकम टैक्स में टर्मोलॉजी यूज की जाती है उन टर्मोलॉजी को डिफाइन करके और वो डिफिनिशन कहाँ से आया है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो भी प्रावधान बताए गए हैं उसकी जो परिभाषा दी गई है उसके बारे में इंट्रोडक्टरी यूनिट्स में स्टडी किया जाएगा। तो आने वाले लेक्चर में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे पहले यूनिट में। आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी था जिसके क्रम में अब सिलेबस का जो नेक्स्ट यूनिट है हमारा वो है एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय। एग्रीकल्चरल इनकम हमारा यूनिट 2 में है, साथ ही साथ यूनिट 3 रेजिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी बेसिस ऑफ चार्जेज। जो यूनिट 3 हमारा है वो रेजिडेंस स्टेटस को और टैक्स लाइबिलिटी के लिए उपलब्ध है। अब अगला जो हमारा यूनिट है वो एग्जेम्पशंस फ्रॉम टैक्स। हमारा टैक्स में क्या क्या छूट का प्रावधान है उस एग्जेम्पशंस के बारे में ये चैप्टर उपलब्ध है। नॉन टैक्सेबल इनकम का भी जिक्र इस यूनिट 4 में किया गया है और इनकम फ्रॉम सैलरी का भी जिक्र किया गया है। अब यहाँ पर ये इनकम फ्रॉम सैलरी की जब बात आती है तो आप यहाँ देखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ भी है, इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ भी है। तो यहाँ पे सैलरी का जो एग्जेम्पशंस है एग्जेम्पशंस के पर्पज से यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी यूनिट 4 में आपको एज ए सिलेबस के रूप में उपलब्ध है। अब हम यूनिट 5 की बात करेंगे तो यूनिट 5 में हम देखेंगे तो इनकम फ्रॉम सैलरी वेतन से आय, वेतन से आय और वेतन से आय पर टैक्स के बारे में हम इस यूनिट में चर्चा करेंगे। उसके बाद
यूनिट 6 जो हमारा है वो इनकम फ्रॉम सैलरी, अब ये रिटायरमेंट पर्सन के लिए है। मुख्य रूप से जो यूनिट 5 और 6 है यह इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड से है और इस पे जो टैक्सेबल जो लायबिलिटी होगी वो टैक्सेबल इनकम, उस पे जो टैक्स लायबिलिटी होगी उसके बारे में इसमें हम स्टडी करेंगे। अब हम आते हैं यूनिट 8 पर, तो यूनिट 8 पे देखते हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय, और इस पे इस इनकम पे टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो भी हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स कैलकुलेट किया जाए। अब आते हैं यूनिट 9 पे, तो प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस आर प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के प्रावधान को हम यूनिट 9 में देखेंगे। यूनिट 10 की बात करें, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम ऑफ सर्टेन बिजनेस आर प्रोफेशन ऑन अ प्रीजम्प्टिव बेसिस, और यूनिट 11 में देखेंगे तो डिप्रेसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस, यूनिट 12 में कैपिटल गेंस की बात करेंगे, और यूनिट 13 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की बात करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम आते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम एंड डीम्ड इनकम, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, और यूनिट 15 पे हम आते हैं तो सेट ऑफ एंड कैरीड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इस चैप्टर में है, और जो हमारा यूनिट 16 है वह डिडक्शंस है टू बी मेड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम, टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए हम यहाँ पर डिडक्शन को देखेंगे। अब यूनिट 17 जो हमारा है वो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, ये चैप्टर जो है ये टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए बनाया गया। अब यूनिट 18 हमारा है, यूनिट 18 में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, अब यहाँ टैक्स लायबिलिटी जो है इंडिविजुअल का कंप्यूट करने के लिए यूनिट 18 में हम देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि ये जो यूनिट 18 है यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी जो इंडिविजुअल का हम कंप्यूट करते हैं कैलकुलेट करते हैं उस केस में हमें जो हमारा यूनियन बजट जो हर ईयर प्रत्येक वर्ष में आता है उस बजट के अकॉर्डिंग हमारे टैक्स में क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं क्या क्या नए नए प्रोविजंस हुए हैं उसके बिहाफ पे हम यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। यूनिट 19 रिबेट एंड रिलीफ ऑफ टैक्स, और यूनिट 20 जो है असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस प्रकार से हम देखते हैं तो हमारा जो ये सिलेबस है इस पूरे सिलेबस में जो भी इनकम टैक्स से रिलेटेड जो प्रोविजंस होंगे वो जो हमारा यूनियन बजट आता है उस यूनियन बजट में अमेंडमेंट होते हैं और उस अमेंडमेंट के बेस पे उसके बिहाफ पे जो नए नए प्रोविजंस आते हैं उसको हम शामिल करते हैं और उसके बाद शामिल करने के बाद ही अपडेट वर्जन में ही हम इनकम टैक्स को पढ़ सकते हैं और इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं और सारे प्रोविजंस को यूज कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में मुख्य रूप से एक बात ध्यान देने योग्य है कि हमें अपडेट सिलेबस अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट देखना पड़ता है और जब तक बजट पेश नहीं होता है तब तक हम वेट करते हैं और
उस बजट पेश होने के बाद जो अमेंडमेंट होते हैं उसको हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 में प्रोविजंस के माध्यम से उसे ऐड ऑन करते हैं और उसके बाद हम इनकम टैक्स के ऊपर काम करते हैं। तो कभी भी डियर लर्नर्स, आपको इनकम टैक्स का स्टडी करना होगा तो उसमें हमेशा आप अपडेट प्रोविजंस को ही ध्यान में रखेंगे और यूनियन बजट को भी ध्यान में रखेंगे। और आने वाले लेक्चर्स में आपको यूनिट वाइज, पहला जो हमारा यूनिट है इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट डिफिनीशन, जो हमारा महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और उस पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बतला दें कि बी काम और एम काम स्तर पे यह सिलेबस हमारे यूनिवर्सिटी में प्रभावी है और इसी के अकॉर्डिंग आपके लेक्चर्स आगे आएंगे। आशा करता हूँ कि आज का यह जो लेक्चर है आपको एक मार्गदर्शन प्रदान करेगा आने वाले लेक्चर्स के लिए और इनकम टैक्स को एक व्यवस्थित स्वरूप में अध्ययन करने के लिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।